विश्वानि देवसवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरास्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि पंजलिस्म ओम श्री परमात्मने नमः योग दर्शन का हम आज प्रारंभ कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत इस शास्त्र जो कि चार पादों में भक्त है समाधिपाद साधनपाद विभूतिपाद और कैवल्यपाद नाम से ही स्पष्ट है कि एक एक पाद में मुख्य रूप से प्रधानतया किस विषय का प्रतिपादन है तो पहला पाद है समाधिपाद समाधि समाधिपाद नामकरण से ही पता चलता है कि इसमें समाधि की चर्चा की गई है तो इस प्रकार से महर्षि प्रथम सूत्र देते हैं प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम अथ योग अनुशासनम तीन पद है इसमें अथ शब्द का अर्थ करते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं कि अथ अयम अधिकारार्थ अथ जो यह शब्द है अधिकारार्थ है अधिकार अधिकार का मतलब योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृत वेदितव्य योग शास्त्र को अधिकृत करके प्रारंभ कर रहे हैं ऐसा समझना चाहिए यानी कि अधिकार का मतलब प्रारंभ सीधा सीधा अथ शब्द यहां पर प्रारंभ का वाचक है और या योग योगशास्त्र का वाचक है तो योगशास्त्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं ऐसा इसका अर्थ होता है अथ शब्द मंगलाचरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ओंकार श्यत शब्द ब्रह्मणापुरा कंठम भित्वा निर्यात तस्मान मांगलिक उभव इस प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं शास्त्रों में जिसमें कहा जाता है कि अथ और ओम शब्द ये दोनों मंगल के सूचक हैं अथ शब्द यहां पर प्रारंभ या अधिकार का वाचक है लेकिन मंगल का सूचक है वाचक और सूचक दोनों में अंतर होता है वाचक का मतलब ये होता है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ को कह रहा है जो शब्द जिस अर्थ के लिए उपदेश किया जाता है उसको कहा जाता है कि इस अर्थ का ये वाचक है कहने वाला है तो शब्द का प्रयोग तो वाच्यवाचक संबंध को जान करके व्यवहार करना ही है शब्द का मतलब क्या है शब्द का प्रयोजन ही होता है कि उस शब्द से हम अर्थ बोध करें तो इसका अर्थ होता है प्रारंभ लेकिन कहा जाता है कि इस शब्द के उच्चारण से इस शब्द के श्रवण से मंगल हो जाता है भले ही इसका वाच्य कुछ और हो किसी और का वाचक हो लेकिन इसको सुनने से और इसको बोलने से मंगल हो जाता है कल्याण हो जाता है शुभ हो जाता है तो इसलिए शब्द जो है मंगलाचरण के रूप में भी यहां समझना चाहिए कि मंगलाचरण भी महर्षि ने कर दिया एक तीर दो निशाना मंगलाचरण भी हो गया और जो अर्थ करने थे वो अर्थ के अनुसार जो है सूत्रार्थ भी हो गया प्रारंभ अर्थ में योग अनुशासन योग में योग और अनुशासन तो नाम शासनम अनुशासन शिष्ट पुरुषों का शासन है वो अनुशासन है इस शब्द से भी पता चलता है कि महर्षि पतंजलि योग के आदि प्रवर्तक नहीं है क्योंकि शिष्टों के द्वारा जो शासित है शिष्टों के द्वारा जो उपदिष्ट है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से जो परंपरा चली आ रही है योग की उसी का हम यहाँ पर अनुशासन कर रहे हैं यानी अनु उपसर्ग है पीछे अर्थ में कि पीछे से हम कर रहे हैं शासन इसका यानी कि पूर्व में किसी और ने उपदेश किया था महर्षि कपिल आदिओं ने उन्हीं को हम फिर से क्योंकि ये ग्रंथ ये परंपरा बहुत विराट परंपरा थी योग की और एक कोई योगी व्यक्ति उस तत्व ज्ञान के जिज्ञासु व्यक्ति को कहीं योग सीखना है उस परम तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके अंदर है वो कहाँ जाए और योग कितनी विशाल परंपरा की भटकाव है एक कोई शास्त्र नहीं है जिसके लिए उसको पढ़ करके अब सब विवेक हो जाए तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने बड़ी कृपा करके और एक शास्त्र का प्रतिपादन किया कि एक ही शास्त्र कोई पढ़ लें उसी में अपने रुचि के अनुसार अपने योग्यता के अनुसार उमार का वर्णन करके अपना जीवन धन्य कर सकता है इसलिए महर्षि ने इस योग शास्त्र का पीछे से शासन किया यानी कि शिष्टों द्वारा जब पूर्व में शासित था उपदिष्ट था उन्हीं योग के तत्वों को उन्हीं के योग के जो क्रियात्मक पक्ष थे उनको पुनः ग्रंथ रूप दे करके उसको शासित कर रहे हैं यानी कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित यानी कि इसके क्या लक्षण हैं इसके क्या साधन हैं इसके क्या फल हैं इत्यादि रूप में जो है हम विशेष रूप से इनको अनुशासित कर रहे हैं तो अथ योगानुशासन तो योग के शासन करने वाला ग्रंथ ही है योग के शासन कौन योग तो अपने आप में एक स्थिति है एक दृष्टा की अपने स्वरूपावस्थिति ही योग की स्थिति है लेकिन अनुशासन कैसे किया तो शास्त्र में अनुशासन किया इसलिए योगानुशासन है योग शास्त्रम। तो योग शास्त्र और अर्थ से प्रारंभ ले लीजिए तो योग शास्त्र का अब प्रारंभ करते हैं ऐसा अर्थ लिया और वह प्रारंभ केवल सूत्र रूप में करते हैं ग्रंथ रूप में करते हैं न कि सर्वप्रथम योग का उपदेश करते हैं कि इससे पहले योग नहीं था ऐसा नहीं है क्योंकि हमने पूर्व में बता दिया हिरण्य गर्भो योग से वक्ता नान्य पुरातन कपिलम परमहर्षि च यम प्राहुर्यतया सदा अग्नि कपिलो नाम सांख्योग प्रवर्तक है वो वह हिरण्य गर्भ अग्निस्वरूप जो महर्षि कपिल हैं वही योग और सांख्य दोनों के आदि प्रवर्तक हैं अथवा हिरण्यगर्भ से यदि परमेश्वर हैं तो समस्त विद्याओं के जो मूल हैं आदि प्रवर्तक हैं प्रणेता है वो तो भगवान ही सिद्ध होते हैं देहधारी के रूप में महर्षि कपिल सिद्ध होते हैं तो इस प्रकार के अथ योगानुशासन इस सूत्र से अवयोग का अनुशासन हो रहा है अब योग के संबंधित शास्त्र का आरंभ हो रहा है और इसी में कहा कि महर्षि ने की योगा कि योग समाधि योग जो है वो समाधि है यानी कि योग शब्द से यहां पर जो कहा गया है वो समाधि शब्द से कहा गया है योग मतलब समाधि किसी को कोई भ्रम ना हो क्योंकि योग शब्द अनेक अर्थों में आता है शास्त्रों में तो वह योग शब्द यहां पर कोई दूसरा ना ले यदि दूसरा अर्थ ले, ले लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इसलिए महर्षि जी ने महर्षि के भावों को स्पष्ट कर दिया कहीं योग शब्द से किसी को भ्रम न हो जाए कि योग शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में भी आता है तो यहां पर महर्षि ने जो योग शब्द का प्रयोग किया है वह समाधि अर्थ में प्रयोग किया इसलिए कहा योग समाधि और आगे कहा कि सच सार्वभम चित धर्म ये जो समाधि है यह समाधि सार्वभौम चित्त के धर्म हैं सार्वभौम चित्त के धर्म का मतलब कि चित्त की पांच अवस्थाएं होती हैं चित्त की पांच अवस्थाएं एक ही चित्त जो है सत्व रज और तम के प्रधान्य और गौण भाव से इसकी पांच स्थितियां बनती हैं एक तो है क्षिप्त दूसरा मूढ़ तीसरा विक्षिप्त चौथा एकाग्र और पांचवा निरुद्ध इन पांचों का धर्म है इन पांचों स्थितियों में समाधि हो सकती है ऐसा महर्षि का कथन है कि सच सार्वम चित्त धर्म क्षिप्तम एकाग्रम चित्त की भूमिया है इन पांचों चित्त की भूमियों का धर्म है समाधि लेकिन बात यह है कि तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षोपर उपसर्जनी भूत समाधि पक्षे वर्तते जो विक्षिप्त आदि अवस्थाएं हैं यानी कि क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त इनमें जो घटित होने वाली समाधियां हैं उनको योग पक्ष में नहीं लिया जाता है थोड़ा सा यहां पर समझिए कि योग समाधि होता है योगा समाधि लेकिन सारी समाधि योग नहीं हो सकती ऐसा नियम है समाधि योग समाधि है समाधि मतलब कि चित का समाहित हो जाना एक विषय में तल्लीन हो जाना यह समाहित स्थिति है लेकिन जो योग यहां पर कथन किया गया महर्षि के द्वारा आगे किया जाएगा और जिसकी प्रतिज्ञा भी की है कि भाई हम योग शास्त्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह जो योग है समाधि है एक चित्त की अवस्था ही है कि एक किसी विशेष वस्तु में एक किसी विशेष अर्थ में एक विशेष विषय में आसक्त हो जाता है तल्लीन हो जाता है तो मन जो है वहां पर अन्य समस्त विषयों से हट करके एक विषय में तल्लीन हो करके जो है समाहित हो जाता है उसी को समाधि कहा जाता है तो योग जो है यहां पर जो महर्षि पतंजलि कहेंगे वह योग समाधि है लेकिन सारे समाधि योग नहीं है क्योंकि उत्तर वाक्य में इन्होंने खंडन कर दिया क्योंकि विक्षिप्त आदि जो चित्त के धर्म हैं तीन क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त ये तीन जो हैं इसमें जो लगने वाली समाधियां हैं वो योग पक्ष में नहीं लिया जाता है तो कहने का तात्पर्य वही हुआ कि योग सारे प्रकार के योग आगे जो बताए जाएंगे वो समाधि हो सकते हैं होते ही हैं लेकिन सारी समाधियां योग नहीं हो सकती जिस प्रकार से कहा जाता है कि सारे मनुष्य ये सारे जीव या कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो सारे वर्ण हैं ये मनुष्य हैं सारे वर्ण मनुष्य हैं लेकिन सारे मनुष्य जो है ब्राह्मण नहीं है सारे मनुष्य क्षत्रिय नहीं है सारे मनुष्य वैश्य नहीं है सारे मनुष्य शूद्र नहीं है लेकिन जो भी वर्ण हैं जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब मनुष्य हैं लेकिन सारे मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है एका करके तो इसी प्रकार से सारे योग जो हैं वो समाधि है लेकिन सारे समाधि योग नहीं हैं तो ये विशेष कथन यहां पर किया और यह जो चित्त के तीन धर्म हैं तीन अवस्थाएं तीन भूमिया हैं वो योग के कैटेगरी में नहीं ले जाती है योग पक्ष में तो स्वीकार नहीं किया जाता है जबकि एकाग्र और निरुद्ध ये जो दो स्थितियां हैं वह योग के लिए स्वीकार्य हैं। एकाग्र में चित्त सत्व प्रधान होता है और सत्व प्रधान होने से चित्त किसी एक विषय में एकाग्र हो जाता है सत्व प्रधान होने से ज्ञानात्मक दृष्टि से एकाग्र हो जाता है और निरुद्ध में वो अंतिम स्थिति है जो प्राप्तव्य है निरुद्ध जो है वो सबसे अंतिम स्थिति है और वह परम स्थिति है तो एकाग्र साधन है योग के और निरुद्ध साध्य है तो इस प्रकार से चित्त की पांच भूमिया बताई और उसमें से महर्षि प्रद्योत च क्लेशान कर्म बंधना जो एकाग्र नामक चित्त की जो भूमि है उसमें क्या होता है कि जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो एकाग्र हुआ हुआ, हुआ चित्त में जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप प्रकट होता है जैसे हम आंखों से देखते हैं तो वस्तु के सब स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि उसके पिछले भाग उसके किनारे दोनों तरफ नीचे वाला भाग तो दिखता ही नहीं हमको बीच वाला भाग सब नहीं दिखता पूरा वस्तु प्रकाशित नहीं होती और उसका भूत वर्तमान भविष्य वर्तमान में भी ये सब कमियां हैं भूत में कैसी है भविष्य में वो तो हो ही नहीं सकता उसका ज्ञान हम कर ही नहीं सकते लेकिन जब चित्त एकाग्र होकर के समाहित हो जाता है समाधिस्थ हो जाता है उन वस्तुओं में तब वो वस्तु का स्वरूप अब जिसमें भी वो समाधि लगाना चाहे उस आगे भी विस्तार से वर्णन किया जाएगा उसका योगी जिसमें भी समाहित होना चाहे ध्यान लगाना चाहे एकाग्र करना चाहे अपने चित्त को तो उस वस्तु में एकाग्र करके उस वस्तु के संदर्भ में वर्तमान में सारी चीजें देख लें उसके भूत और उसके भविष्य ये सब स्पष्ट रूप से उसको बोध हो जाता है और ऐसा करने से छिणत या क्लेषांक क्लेश होने लगते हैं कमजोर होने लगते हैं कर्म बंधनानी स्थल के जो बंधन हैं, वो शिथिल पड़ने लगते हैं कर्म के बंधन शिथिल पड़ने लगते हैं और निरोधम अभिमुखम करोती और यह जो स्थिति है एकाग्र भूमि चित्त की यह अब उस उसी चित्त को पुनः निरोध की तरफ ले जाता है क्लेशों को छिड़ करता है विद्या आदि क्लेश को आगे बताए जाएंगे उन क्लेशों को क्षीण करके क्लेश जितने ही क्षीण होंगे जितने ही कमजोर होंगे बंधन उतना ही शिथिल होगा क्योंकि क्लेश ही बंधन है अविद्या, राग, द्वेष, पंच क्लेश हैं। आगे बताए जाएंगे साधन पाद में। तो वो जो क्लेश हैं, वह बंधन माने जाते हैं और जब क्लेश क्षीण होंगे कमजोर होंगे तो बंधन अपने आप खुलेगा क्योंकि रस्सी का बंधन ही मुक्ति का कारण है बंधन जितना ही ढीला होगा वो व्यक्ति उतना ही मुक्त होता चला जाएगा तो इस प्रकार से क्लेश को क्षीण करते हैं ये यानी कि एकाग्र भूमि चित्त जो होता है वो क्लेशों को क्षीण करता है कमजोर करता है राग द्वेश को कम करता है और कम करते हुए जितना मात्रा में कम होगा उतने मात्रा में वह मुक्त होता चला जाता है कर्म बंधन को शिथिल करता जाता है और धीरे धीरे वह आत्मज्ञान की तरफ अभिमुख हो जाता है निरोधम अभिमुखम करो निरोध जो नामक चित्त है यानी कि निरोध जो चित्त की अवस्था है अंतिम अवस्था पांचवी वह तत्व ज्ञान की पर है। वहीं पर भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार जो अभिप्लव ख्याति आगे कहेंगे अखंड ज्ञान वहां पर उत्पन्न होता है तो उसको ये एकाग्र भूमि चित्त ही उस तरफ मोड़ देता है कि एकाग्र यदि चित्त हो गया तो धीरे धीरे वो निरोध की तरफ भी बढ़ जाएगा तो इस प्रकार कहते हुए वह संप्रजात योग वो कहते हैं और संप्रजात और असंप्रजात करके दो भेद है लेकिन यह जो है संप्रजात योग है और योग चार प्रकार के होते हैं आगे बताए जाएंगे वितरक विचार आनंद और अस्मिता वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मिता अनुगम नामक चार प्रकार के उसके भेद हैं तो मूल रूप से जो है प्रथम सूत्र का अर्थ हुआ और उसकी भूमिका बन गई कि योग समाधि कहते हैं सब समस्त योग योग दो प्रकार के हैं संप्रज्ञात योग असंप्रज्ञात योग क्योंकि योग को समाधि कह दिया गया महर्षि के द्वारा इसलिए योग समाधि कहने से संप्रज्ञात समाधि भी कह देते हैं और असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं लेकिन संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग कहने से ज्यादा स्पष्टीकरण आता है क्योंकि समाधि चित्त की बाकी भूमियों में भी लगती है क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त एक क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त थोड़ा सा और समझ लीजिए क्षिप्त क्या है कि क्षिप्त एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रजस प्रधान होता है और रजस प्रधान होने से उसकी वृत्ति जो है वह विषयों की तरफ विषय भोग की तरफ प्रवृत्ति होती है उसकी विषय भोग की तरफ रूप, रस, शब्द, गंध आदि में रुचि रखेगा उसमें सुख चाहेगा, कि विषय भोगी होगा तो रजस प्रधान जब चित्त होगा क्योंकि चित्त त्रिगुणात्मक है सांख्य योग के अनुसार पूरा का पूरा जगत ही त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक होने से चित्त भी त्रिगुणात्मक है सत्व रजतम से बना है तो चित्त के धर्म जो है चित्त की स्थिति जो है वो बदलती भीगड़ती रहती है क्यों क्योंकि त्रिगुणात्मक होने से चलमच गुणवृत्तम गुण की वृत्तियां चलायमान होती है ऊपर नीचे होते रहते हैं ये गुण कभी सत्य ऊपर तो, तो कभी तम ऊपर तो कभी रज ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होने से उनकी स्थिति बदलती रहती है क्योंकि गुणों के धर्म अलग अलग हमने पढ़ा था सांख्यकारिका में आगे भी इसमें भी पढ़ेंगे तो वो जो चित्त रजस प्रधान होता है यानी कि रज जब ऊपर हो जाता है तो वह विषयों के तरफ उन्मुख हो जाता है वो संसारी हो जाता है वो विषयासक्त हो जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं क्षिप्तावस्था ऐसे व्यक्ति कहते हैं क्षिप्त है और मूढ़ावस्था जो है चित्त की मूढ़ावस्था वो है कि जब तम प्रधान हो जाता है ऊपर हो जाता है रज और सत्व नीचे दब जाते हैं तो रज और सत्व दब गए तम ऊपर हो गया तब उस व्यक्ति की मूढ़ावस्था आ जाएगी अब मूढ़ावस्था होने पर जो जो है वो अलस्य प्रमाद किम कर्तव्य विमूढ़ता विषाद भ्रम प्रमाद ये सब स्थिति को प्राप्त होगा कुछ समझ में नहीं आएगा कहा करें कमाए कि साधु बन जाए कुछ नहीं सोया रहता बस। इसी उधर में कुछ समझ में नहीं आता उसको सब आगे भविष्य अंधेरा दिखता है उसको तो इस प्रकार से जो है चित्त की स्थिति जो है उत्तम प्रधान है ऐसे व्यक्ति यदि कुछ करे भी तो उल्टा पुलटा करेंगे क्योंकि तामसिक व्यक्ति जो है यदि वो करेंगे भी तो अधर्म करेंगे अधर्म अज्ञान इत्यादि प्रवृत्तियों में वो रहेंगे उल्टा ही काम है, इनका। और स्थिति जो ये जो है सत्व और जब सत्व ऊपर रहता है तो चित्त समाहित होता है कुछ क्षण के लिए एकाग्र होता है एक विषय में लगता है ध्यान में रुचि आती है ईश्वर में जो है आसक्ति होती है ईश्वर के मनन में चिंतन में श्रवण में श्रुन मे मन तो लगता है लेकिन फिर पुनः जो है नीचे चला जाता है क्योंकि रज ऊपर हो जाता है तो सत्व और रज के मिश्रित जो स्वरूप है वो विक्षिप्तावस्था है और अधिकतर जो साधक लोग हैं वो इस स्थिति में होते हैं कि कुछ समय के लिए उनका ध्यान लगता है फिर जो है चित्त चंचल हो जाता है क्योंकि रज बढ़ जाता है तो विक्षिप्त विक्षिप्त का अर्थ समाज में अलग किया जाता है यहां पर अलग है ये शास्त्र के अपने तांत्रिक शब्द हैं तो विक्षिप्त का मतलब कि सत्व और रज की मिश्रित अवस्था जिसमें स्थिति तो एकाग्र होती है कुछ क्षणों के लिए लेकिन फिर पुनः वो जो है नीचे आ जाता जा, है फिर विषयाविन्मुख हो जाता है कुछ देर के लिए भगवान की भक्ति करता है ध्यान लगाता है फिर जब सही रज ऊपर उठता है फिर जो है वही काम लेकिन वो दोनों करता है भगवान की भक्ति भी करेगा विषयों का सेवन भी करेगा एक तो है केवल विषयों का सेवन करेंगे भगवान की भक्ति भगवान की श्रवण सत्संग आदि में कोई रुचि नहीं रखेंगे वो तो हो गया क्षिप्तावस्था में रजस प्रधान है पूर्णतः रजस प्रधान है तो वो तो विषय भोग के अतिरिक्त तो भगवान की तरफ न सोचेंगे न सुनेंगे कुछ नहीं करेंगे आचरण करने की तो दूर की बात है लेकिन जो विक्षिप्तावस्था वाला व्यक्ति है यह व्यक्ति भगवान का भजन भी करेगा भगवान का सत्संग भी सुनेगा सब करेगा लेकिन फिर बेचारा जैसे रजस ऊपर उठता है फिर विषय भोग की तरफ आ जाता है तो भोग और योग वो दोनों चलता रहता है उसका तो ये स्थिति जो चित्त की है वह स्थिति है विक्षिप्तावस्था और इससे जो ऊपर की स्थिति है वो एकाग्रता अवस्था है एकाग्र में जो है अब एकाग्र हो जाता है अब वो एकाग्र सत्व प्रधान की स्थिति जो है वो एकाग्र स्थिति है क्योंकि सत्व ज्ञानात्मक होता है तो सत्व प्रधान होने से वह एक बार चित्त को जहां लगा दिया जिस विषय में जिस ध्यान में जो भी ध्यय वस्तु है आलम्बन उसमें लगा देने से फिर वो उसकी वृत्ति फिर इधर उधर नहीं डिगती समाहित हो जाता है समाधिष्ठ हो जाता है जिस किसी भी विषय में समाधि लगाना चाहे उस विषय में वो समाहित हो जाता है और समाहित हो जाने से ये स्थिति को एकाग्र अवस्था कहा जाता है और इसी एकाग्र को और बढ़ाते 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 एक ऐसी स्वच्छ और निर्मल कर दिया जाए अभ्यास के बल पर कि जो समस्त प्रकार के वृत्तियों से रहित हो जाए तो सर्ववृत्ति निरोध होने कारण के कारण केवल चित्त अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए क्योंकि चित्त शुद्ध स्वरूप में नहीं आता अभी जो हमारा चित्त है शुद्ध स्वरूप में नहीं है क्योंकि आंखों के माध्यम से कानों के माध्यम से त्वचा के माध्यम से नासिका के माध्यम से जिहवा के माध्यम से हमारा चित्त उन उन विषयों से तदाकार रंगता रहता है नासिका के संपर्क से चित्त जो है गंधाकार कारित हो जाता है जिहवा के संपर्क से चित्त जो है रसाकारित हो जाता है कर्ण इंद्रियों के संपर्क से चित्त शब्दाकारित हो जाता है इस प्रकार से रूप रस गंध शब्द से तदाकारित होकर के एकात्म होकर के अपने शुद्ध स्वरूप से गिर जाता है जब शुद्ध स्वरूप से गिर जाता है तब वह जगत से जुड़ जाता है और जगत से जुड़ने के कारण उसमें सुख दुख ये सब चलते रहते हैं काम क्रोध लोभ जगत के जो भी गुण दोष हैं उसमें आते रहते हैं और उन गुण दोषों का अनुभव उसी चित्त के साथ तदात्म्य हुआ जो पुरुष है जो जीव है जो आत्मा है उस चित्त को पढ़ता रहता है आत्मा सीधा सीधा जो है बाहर नहीं देखता अभी तो आत्मा बुद्धि का प्रतिसंवेदी है यानी कि बुद्धि में जो वृत्ति बन रही है अंतकरण में जो वृत्ति बन रही है रूपाकार रसाकार गंधाकारित उसी को पढ़ता रहता है और जैसी वृत्ति है वो वैसे अपने आप को अनुभव करता रहता है तो जैसी ही वृत्ति बनती है वह बाहरी संसार से जुड़ जाता है और बाहरी संसार से जुड़े कारण बाहरी संसार जो है त्रिगुणात्मक है और उसके द्वारा जो आया रूप रसगंध भी सब त्रिगुणात्मक होगा तो त्रिगुणात्मक होने से वो सुख दुख महात्मक होगा तो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा कभी मोहित होगा तो सुख दुख मोह इस, इसकी स्थिति जो है ये निरंतर चलती रहती है लेकिन व्यक्ति एक अपने स्थायी स्थिति खोजता है कोई भी व्यक्ति एक परमानेंट स्थिति खोजता है इसलिए व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है भाई कोई चीज़ हो तो एक बार पक्का हो जाए नौकरी भी चाहता है तो पक्का चाहता है कि भाई एक स्थाई कर दो कि भाई इतना है तो इतना ही रहेगा बराबर इससे कम ज़्यादा नहीं ऐसी नौकरी हो जिसमें तो कभी बढ़ जाए पेमेंट और फिर घट जाए फिर कभी शून्य हो जाए तो ऐसा कोई नहीं चाहता उसकी अपेक्षा वो चाहते हैं कि भाई एक स्थिति बनी रहे इतना है तो इतना ही रहे चलो कम बेसी ना हो तो ठीक है लेकिन वैसा होता नहीं जगत में इसलिए वह एक स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं और चाहते हैं कि एक स्थिति बनी रहे लेकिन जैसे ही वो जगत से जुड़ता है तो जगत त्रिगुणात्मक होने से वो स्थिति प्राप्त ही नहीं कर सकता तो जब वो इन समस्त वृत्तियों को रोकता है तब बहिर्मुखता से रहित होकर के निवृत्त होकर के अंतर्मुखता को प्राप्त करता है जब अंतर्मुखता को प्राप्त करता है तो सारी वृत्ति निरोध हो जाती है निरोध होने से चित्त शुद्ध स्वरूप में आ जाता है और चित्त जब शुद्ध स्वरूप में आता है तो पुरुष का प्रतिबिंब बना देता है अभी चित्त जो है विषयों का प्रतिबिंब बना रहा था विषयों को अपने आप में गृहित करके कर कारित हो रहा था वहीं जब चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाएगी तो वही चित्त अपने शुद्ध अवस्था में आते ही पुरुषाकार कारित हो जाएगी पुरुषाकार कारित होने से इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं इसी को आत्मज्ञान कहते हैं और वह आत्मज्ञान फिर जो है अंतर्मुखता की स्थिति है वही योगस्थ स्थिति है वही समाधिस्थ स्थिति है वही तत्व ज्ञान की स्थिति है और यही तत्व ज्ञान जो है साक्षात मुक्ति का कारण है कैवल्य का कारण है तो इस प्रकार से चित्त और चित्त के वृत्ति का हमने कुछ संक्षिप्त वर्णन किया आगे इसको विस्तार से और देखेंगे आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं शेष अगले अंक में शान्तिः शान्तिः शान्तिः